इतना जल्दी आ गया, कोई भी नहीं आया अभी तक। ये क्या बोलना पड़ेगा अभी ब्लॉग में? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय न्यू फ्रेंड, हिज नेम इज रुगु बसुमतारी। आई एम फ्रॉम असम। और अभी हम ये हम लोग का बॉयस हॉस्टल को दिखाएगा, थोड़ा सा भाई का रूम को दिखाएगा। ऐसा ही होता है, सिंपल सा कुछ नहीं होता है। सुंदर है ना, तीखी है ना, आप सेटिस्फाई तो है ना? देखो कपड़ दिया हुआ है, साथ डेस्क बेंच, इसके बाद एक चारपाई, यहाँ में भी तो ना, एक एक रूम में दो आदमी ना। मेरा रूम में अभी घर गया हुआ है, दो दिन बाद आएगा। दो दिन बाद आएगा। ये भी सेम है ना डिजाइन? सभी में ऐसे डिजाइन है, बाहर में दिखाएगा। ये देखो इतना सुंदर, हम लोग अभी थर्ड फ्लोर में है ना। और एक भाई आ गया, ये होटल का बहुत सीनियर है। हाँ, अभी बाहर बाहर को दिखाएगा ना। ये हम लोग का टेरेस, इसी इसी में ही दारू पीता है। देखो तो ये है आरजू का, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल अलग अलग होता है। ये हम लोग का यूनिवर्सिटी में बहुत सारा हॉस्टल है। ये हॉस्टल का नाम है तिरप हॉस्टल, पानीर हॉस्टल, तावांग हॉस्टल, शिवनश्री हॉस्टल बोल के है, सियांग हॉस्टल। तो अभी जहाँ में हम बैठ रहे हैं, ये इसका नाम है पानीर हॉस्टल। और ये देख सकता है इसका, ये देख सकता है, ये हॉस्टल का नाम है पानीर हॉस्टल और ये हॉस्टल का नाम है तिरप हॉस्टल। तिरप एक जगह का नाम है अरुणाचल, उसी का नाम पे रखा हुआ है हॉस्टल को। ये बालकनी था, इसका बाद थोड़ा राउंड करके दिखाएगा आपको। यहाँ में एक रूम खाली है शायद, ये रूम खाली है, खाली होने से इस तरह से होता है। आज संडे है तो शायद बहुत लोग। और ये है हम लोग का छत, और ये कुत्ता हम लोग का साथ ही रहता है हॉस्टल में। और ये थोड़ा पहले हम बता रहा था, इसका ये हॉस्टल का नाम है, हम जहाँ में बैठ रहे हैं, ये तिरप हॉस्टल है। और ये सामने जो देख रहे हैं, सामने में जो देख रहा है, ये पानीर हॉस्टल है। और इसके बाद हम लोग का यहाँ में कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट यही में है, ये देख सकता है। देखो गार्डनिंग कितना अच्छा से किया हुआ है, नीचे में जाके दिखाएगा अभी। और आप लोगों को किचन भी दिखा देगा, किचन से पहले आपको बाथरूम दिखाएगा। बाथरूम बहुत गंदा से बनाया, लेकिन ये देखो इसको तो ज़्यादा दिखाने नहीं दिखाने से ठीक है। यहाँ अंदर सभी का डिजाइन सेम है, इस तरह से देखो। टावर भी आता है आने अभी किचन को दिखाएगा। किचन नीचे में है, किचन नीचे में है, ठीक है ना दोस्त? देखो ये हाथ धोने जगह। हाँ और ये हम लोग का किचन आ गया। भैया ठीक है ना, अंदर तो जाके दिखे दिखेगा ना। आज चाउमिन डे है ना, ये
ये हम लोग का हॉस्टल का किचन बड़ा से बनाया है ना, सुंदर से। आप लोग इसमें पकाता है ना। और ये है हम लोग का, यही खाना बना देता है हम लोग को। और अंदर में पकाने जगह है ना। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम परशुराम विश्वकर्मा। हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं यहाँ में। अच्छा, कितना साल हो गया यहाँ में? आपका 12 साल होने वाला है, उससे भी पहले आया। आप रेगुलर हो गया होगा? ना ना ना, हम लोग कैजुअल है। रेगुलर में हेड भी गया मैंने। और ये भैया ना जी, सर आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा बाबू सुनार। आप तो बहुत साल से कर रहे हैं। रिटायर होने वाला है मेरा, 7 साल। आप कब आया था यहाँ में? यहाँ में 8 साल जैसा हो गया है। यहाँ में 8 साल जैसा हो गया। मेरा जन्म से पहले आलू चावल का गैस। चावल भी तो अच्छा वाला ही दे रहे ना जी। ठीक है, खाने लायक है। आप लोग सफा भी करता है साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुथरा करके दे रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग खाना बना देता है। आप लोगों का सबको थैंक यू ना, खाना साना बना देने के लिए। अरे पीछे बैक साइड है, इसे देख सकता है। हाँ, ये इधर में हम किचन तो सफा ही है ना, बहुत बढ़िया है। बस ये हॉस्टल थोड़ा पुराना हो गया ना। सबसे पुराना हॉस्टल यही है तिराप, जमाना का है ना जी। लेकिन सबसे अच्छा डिजाइन बनाया है ना जी जी। तो आगे कला ये उसको दिखाएगा। ये बैक साइड में पार्किंग एरिया भी बना के रख दिया, देखो इतना सुंदर से। ये देखो ये बढ़िया से पार्किंग एरिया, इसको ये सब पूरा बना के दिए। थोड़ा बाद में हम अपना ये रूम को भी दिखाएगा, उसमें थोड़ा सा गंदा हो गया इसलिए। और ये देखो ये लड़का लोग पूरा पार्किंग करके रखा है यहाँ में, सब अमीर वाला है। ये देखो इतना सुंदर से गार्डनिंग करके रखा हुआ है। ये देखो इतना सुंदर से गार्डनिंग किया हुआ है, सेम बनाए। नया का पूरा डिजाइन सेम ही है। लेकिन हम लोग का सबसे पुराना है ना, पुराना साल है। यहाँ में छत दिया हुआ है बड़े से, ये देख सकते हैं। ये देखो रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया जा रहा है। ये देखो ये हम लोग का रोड है, यहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी का मतलब क्लास जाता है रास्ता, पर थोड़ा सा दूर है हम लोग का। अपना ब्लॉक में बनाया, अपना हॉस्टल में बनाया। ये दूसरा का यहाँ में आया है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा। गार्डनिंग इतना सुंदर है बना, देखो ये देखो। ये क्या चीज़ है आप लोग बता के देखो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुंदर है, इसका नाम क्या है मालूम नहीं हमको। ये देखो ये हम लोग का गेट है। यहाँ पे एक पार्किंग प्लेस दिया हुआ है। ये एंट्री गेट, एंट्री हम लोग का यहाँ में पूरा गार्ड। ये देखो इधर भी पूरा गार्डनिंग किया हुआ है। अभी हम लोग का यहाँ में छोटा सा एक शॉप है, साथ में वहाँ में एक छोटा सा खाने जगह है, उसको भी दिखाएगा।
ये अंदर में एक कॉलोनी देख रहा होगा, नीचे साइड में यहाँ को पीछे में पूरा घर है। ये बचपन में हम लोग यहाँ में खेलते रहता था, ये उस वक्त ये घर नहीं था, पूरा बिल्डिंग नहीं था। हम लोग छोटा में यहाँ में जब क्लास 6-7 था तब पढ़ाई करता था, यहाँ में घर ही नहीं था। यहाँ पे पूरा नया बनाया हुआ। बहुत देर आने के बाद यहाँ का टीचर का क्वार्टर में आ गया हूँ। ये देखो इतना अच्छा माहौल में ये लोग को घर बना के दिया हुआ है। ये देखो इधर से जाके वो एक घर दिखाई दे रहा है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। उसका बाद पब्लिक का हो जाता है, वो अंदर वाला पूरा ये यूनिवर्सिटी कैंपस का अंदर में होता है। ये कैंपस काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपको बहुत देर लग जाएगा पूरा घूमने के लिए, इसलिए एक वीडियो में आपको सबको दिखा नहीं सकेगा। तो कल परसों धीरे धीरे करके दिखाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और ये है हमारा प्रोफेसर लोग का घर, अंदर जाके दिखाएगा। क्योंकि अंदर जाके ब्लॉग बनाना, आप किसी प्रोफेसर का वीडियो को लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम बाहर से दिखाएगा। अंदर में कॉलोनी कॉलोनी इतना अंदर नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी से निकाल देगा तो बहुत लॉस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना था, ये यूनिवर्सिटी जो है अरुणाचल का फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश इन 1983-84 में ये क्लासेस के स्टार्ट हो गया था इसका। ये यूनिवर्सिटी का असली शुरुआत में नाम जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी था, बाद में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी करके बना दिया। और इससे पहले ये लोन यूनिवर्सिटी था हम लोग का अरुणाचल में, फिर बाद में अभी अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट में बन गया है। तो अभी फ़िलहाल अरुणाचल में दो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्राइवेट को नहीं बोल करके। और ये यूनिवर्सिटी में ऐसे बोला जाता है कि एटलीस्ट 3000 या 4000 का अराउंड में आदमी रहता है स्टाफ, इंक्लूडिंग जो जितना भी MTS वर्कर है उसको मिला के, प्रोफेसर को मिला के, सबको मतलब जितना भी DC UDC है यहाँ में सबको मिला करके 3000 का अप्रोक्स बताया जाता है यहाँ में पॉपुलेशन। तो आप देख सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। अभी तो आपको हम 10% बने दिखाया है, बहुत सारा है दिखाने के लिए। कल परसों दिखाएगा, अभी सबको दिखाएगा तो कल परसों क्या दिखाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। और हम कैंपस से बाहर तो ब्लॉग बनाने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी क्लासेस चल रहे हैं तो क्लास जाना पड़ता है, तो दूर जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो धीरे धीरे हम भी अरुणाचल का ट्रैवल करेगा, पूरा अरुणाचल का एक सीरीज बनाएगा बाद में, ये वैकेशन समय में नहीं तो टाइम मिलने से। ये जितना भी ईटानगर का पैरामीटर और जीरो सेफा जो थोड़ा सामने पड़ता है वो जगह में थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, जब मेरा वीडियो में थोड़ा अच्छा व्यू आएगा तब जाएगा। आ रहे तो व्यू इतना अच्छा से नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। ये हम लोग अरुणाचल का एक बहुत अच्छा चीज़ है, ग्रीनरी बहुत है। ये बाहर में कोई बड़ा जितना भी अच्छा यूनिवर्सिटी हो देखने को नहीं मिलता, हमारे ये पूरे नेचुरल है, लगाया हुआ नहीं है, कुछ से हुआ है। जैसे कि आप बाहर में जितना भी यूनिवर्सिटी देखो ग्रीनरी तो होगा लेकिन वो प्लांटेड वाला होगा, कच्चे लोग पूरा ये लगाया वाला होगा,
लेकिन हम लोग का यहाँ में पूरा नेचुरल है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। पूरा कैंपस में ही ऐसे है, आपको जैसे लगेगा कि पूरा जंगल में है। ये शायद मेरा वाला है, ये बाइक है। अतर नंकर PhD मेरा कंप्यूटर। तो चलिए आज का वीडियो को यही खत्म करते हैं। एक छोटा सा ये हॉस्टल का टूर था। 8 of 100 में से 84% हमको सब्सक्राइब नहीं किया है। ये चैनल को तो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो को यही रख देते हैं।